भारतीय राज्य पेंशनर संघ कुलिहार इकाई की बैठक इकाई के अध्यक्ष श्री आरपी जोशी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुलिहार इकाई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय राज्य पेंशन के मेंबर हैं, उन लोगों ने सभी ने इसमें भाग लिया। और इस बैठक में हमारे अभी कुलिहार क्षेत्र से ही सेवानिवृत्त हुए नायब तहसीलदार श्री रमेश जी पहली बार इस बैठक में आए, उनका यहाँ पे स्वागत किया गया। और अन्य सभी जो हमारे पेंशनर कुलिहार स्थित है वो सभी इसमें उपस्थित हुए हैं। बैठक में पेंशनों को से लेकर के जो विभिन्न मुद्दे हैं उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई और सरकार से बार बार पहले भी आग्रह किया, आज भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारे पेंशनों के जो सातवें वेतन मान की बकाया राशि की 4 किस्तें हैं उसका भुगतान और उसके साथ ही 12% महंगाई राहत जो अभी पेंडिंग है उसका भी सरकार से अनुरोध है कि उसका शीघ्र भुगतान किया जाए। और वर्ष जुलाई 2022 की जो 24 महीने की एरियर पड़ा है किस्त का, उसका भी सरकार भुगतान करे। और उसके साथ ही प्रदेश में जो हमारे पेंशनर भाई हैं उनके करोड़ों रुपए के जो हैं मेडिकल भत्ते जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, सरकार इसके ऊपर विचार नहीं कर रही है, ना उनका भुगतान हो रहा है। और इसी उम्मीद में आज पूरे प्रदेश में जो है करीब 6,000 से ऊपर जो हमारे पेंशनर हैं वो स्वर्ग सिधार गए अपना इसका इंतजार करते करते। सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो इस वो रेवेन्यू को जनरेट करना हमारे पेंशनरों का या कर्मचारियों का काम नहीं है। सरकार अपने जो फजूल खर्ची है उसके ऊपर अंकुश लगाए, करोड़ों रुपए के जो बेकार के खर्चे सरकार कर रही है सरकार इसके ऊपर अंकुश लगाए। अभी मैं प्रेस के माध्यम से भी एक पूछना चाहता हूँ कि सरकार कह रही है कि मेडिकल भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना इलाज करवाया जिसका 16 लाख रुपए का जो बिल था वो तुरंत 24 घंटे के अंदर उसका भुगतान हो गया। और जो अन्य MLA या मंत्री या CPS है या चेयरमैन है उनके तुरंत भुगतान हो रहे हैं। और हमारे जो वृद्ध अवस्था में 90-90 वर्ष की आयु में जो लोग घर बैठे हैं उनका जो है भुगतान नहीं हो रहा है। हमने सरकार को एक बहुत सुझाव दिया था कि सरकार जो है मेडिकल के लिए जो है इसको कैशलेस करे ताकि ये दिक्कत ना रहे और हमारे पेंशनरों को बार बार सरकार के पास जाने की। तो मैं एक बार पुनः भारतीय राज्य पेंशन महासंघ प्रदेश की ओर से सरकार से आग्रह करता हूँ कि पूरे प्रदेश में पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है और इस रोष को लेकर के इससे पहले कि ये सड़कों पे हम लोग विवश होकर के सरकार के खिलाफ संघर्ष करें, सरकार समय रहते हमारी जो उचित मांगे हैं जो हमारी देय राशि है उसका सरकार शीघ्र भुगतान करे, अन्यथा हम विवश होकर के जो भी हमारा अगला कार्यक्रम होगा पूरे प्रदेश में हम अपने जो हमारे अन्य साथ सहयोगी संगठन है उनको सबको लेकर के आगामी रूपरेखा जो है प्रदेश में तैयार की जाएगी।